शादी के नाम पे एक ठगी होने का मामला आया है, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि मैडम है जो मेरठ की रहने वाली है, असम राइफल में जॉब करती हैं, उनको एक मैडम ने साइट पर एक प्रोफाइल बनाया है शादी के लिए उन्होंने, और उस पर उसके बाद उस पर जो है एक प्रोफाइल पे किसी और नाम से उन्होंने उनको अपने अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हमारी आपकी दोनों की टाई अच्छा है और सब कुछ मिलता जुलता है, तो हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। इसके बाद उसने इनको ये भी विश्वास में आ गई, और विश्वास में आने के बाद उसने बताया कि हमारी मैं इंडो कनेडियन हूँ और मैं दिल्ली में ही जॉब करता हूँ, और उसके बाद मेरी माँ कनाडा में रहती हैं, तो हम लोग बाद में कनाडा ही शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से बात आई, और उसके बाद जो है उन्हें बताया कि हमारा भतीजा है जो 3 दिन बाद भतीजा है जो कि एक्सीडेंट हो गया है, उसको कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो अधिक विश्वास में आकर के उन्होंने 2 लाख रुपये उसके अकाउंट में डलवा दिया। उसके बाद बताया कि मेरे भतीजे की डेथ भी हो गई, फिर उसके अंतिम संस्कार के लिए भी चाहिए कुछ पैसे, जो हमारा पैसा जो हाईली सिक्योर्ड है USA में, टेक्सास में जो है मेरा पैसा बहुत हाईली सिक्योर्ड है, जो पैसा निकल नहीं पा रहा है, तो मैं जब सेरेमनी वगैरह होगी तो उसी समय आपको पूरा पैसा मैं पेमेंट कर दूंगा। इस तरीके से जो है उसने फिर और पैसे की डिमांड की, 3 लाख रुपये और डाल दिए। ऐसे ही करते करते उसने फिर कहा मेरी सिस्टर मेंटली बीमार है और उसके लिए आवश्यकता है, तो मिला के लास्ट तक वही कहती रही कि हमारा कहता रहा कि हमारा पैसा हाईली सिक्योर्ड है जो मैं आपको बाद में इकट्ठा करके दे दूंगा। इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे करके टोटल मिला करके इन्होंने 60 लाख रुपए करीब जो है उसको दे दिए। जब इनको लगा कि मेरे साथ ठगी हो गई तो उन्होंने एक FIR हमारे यहाँ पंजीकृत करा दी। महिला कहाँ पोस्टेड है, क्या करती है? इसमें असम राइफल में पोस्टेड है। बोले कैसे फील हुआ फाइनली कि जो है ये मेरे साथ ठगी हो गई है, और कितने दिन में जो है ये सिलसिला शुरू हो गया? देखिए मेटमोनियल साइट पर तो 3 दिन बाद ही इनका मतलब आपस में इनकी बातचीत हो गई, ओके हो गया सब कुछ, तो भी विश्वास में आ गई, उनको भी लगा लड़का अच्छा है जियो, उसमें बताया कि मैं सर्विस जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ, तो आदमी को लगता है भाई आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है, विश्वास हो गया। लेकिन जब लास्ट में उसको लगा कि अब पैसा दे दे थक गई हो, अब उसके बाद पैसे बचे भी नहीं थे, तो 28 लाख रुपये तो अपने अलग फंड से दिया, 15 लाख रुपये और दिया, ऐसे करते करते उसने पैसा दिया, उसको लगा कि सब पैसा देते ही जा रहे हैं, अब कुछ मिलने वाला नहीं, लास्ट में बहाना मारने लगा, तो उनको लगा मेरे साथ ठगी हो गई। ये महिला की दूसरी शादी है, इसके पहले डेथ हो चुकी है? हाँ ऐसा है, पहली शादी हो चुकी है, डेथ हो गई थी, इसकी वजह से जो उन्होंने जो शादी।